subscribe to Pop Diaries and click on the bell icon for the latest update. Richa, wait na Richa. Richa, ek minute. Wait, wait, wait na. Richa, ek photo karte na. Ye thoda hisa hai Richa, thoda. Wo apna le. Ek solo Richa. Do minute bak. Solo. Hey, aro. Acha, aisa. हो गए क्यों भाई नहीं आ सकता अभी आ गया थोड़ा पीछे ना थोड़ा जूमिंग करना क्या है अरे वेट Richa, look at Richa. Tell him, I'm
Richa, ऐसा होने से कंफ्यूज क्या है ना? बनाना नहीं, ऐसा फैशन स्टार्टिंग से स्टार्टिंग आगे मत जा रहा है। ये मित्रा खाली है। अभी आगे आगे आइए थोड़ा थोड़ा। गणपति की तरफ थोड़ा देखिए। एक मूर्ति लीजिए। ओ आगे आगे इधर है वो इधर बनेगा ना रुकना। अरे बनेगा वो देख रही है ना इधर वो। तो थोड़ा मांगिए। बहुत बढ़िया। देखो यार मैं देखो इनको। बच्चा सही है ना? सब डायरेक्टर बनने आए हैं। अच्छा क्या? हीरो कौन बनेगा? डायरेक्टर ओ पीछे होना पा रही भाई एकदम पीछे हूँ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा थोड़ा हाइट कर। हाइट नहीं मिलेगा रे। अरे थोड़ा हाइट कर ना। बैठ जा ना बैठ जा ना अभी बैठ जा ना थोड़ा। हम लोग भी इसी बैठ हम लोग मेरे लिए टाइम निकल जाएगा। आई लव यू तेरे से काम है तू थोड़ा सोचा रे फोटो अच्छे ले तू नहीं जा रहा ठीक है थोड़ा बैठ जाओ सर बैठ जाओ ना बाद में खड़ा खाली सर आ बस तुम तो बैठ जाओ तुम बैठे क्या जगह नहीं है देखना ये सोने के लिए यही बैठ जाओ रवि जरा अरे रवि भाई पीछे रवि 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 पीछे आ यार सुबह सुबह हम आपके लिए आ रहे हैं आज कितने बजे होते हो देखो पापा ने कर करके 3-4-5 अभी क्या करना है ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा बना
जल्दी हो जाएगा क्या हो जाएगा वो जल्दी ऐसा ये तो हो जाएगा नहीं नहीं उनके गवर्नमेंट नॉ करना चाहिए एक तो लाउडस्पीकर का एक तो स्मार्ट स्पीकर का हो गया सारा फूड ऑर्डर आ गया 1 लाख फाइन है कितना ट्रैवलिंग में नहीं करने का अच्छा ट्रैवलिंग में नहीं बजा डीजे बंद ही किया डीजे टूटा ये वाले दो सेकंड गया तो क्या हुआ क्या बताना दो सेकंड गया तो क्या हुआ कैमरामैन नहीं है मेरे को आपको चाहिए तो हम काम नहीं करेंगे ये फोटो रखो लाओ का मांगे ये कौन है भाई पीछे वो आगे ना वो ठीक है वो आगे जो मार रहा है ना बस चल भैया भाई कोई फायदा नहीं पूरे लोग बस दादा कुछ नहीं बड़ी भाई
ले लो उसके बाद वो हट जाए। एक सेंटर बोलो भाई, एक सामने दे लो, ये इधर देखें तो लेफ्ट में, एक सामने दे लो मैम, एक सेंटर थोड़ा मार दो, एक एक सोलो चाहिए, वेट सोलो सोलो ये नहीं है, ठीक है मत करना, ठीक है ये सेंटर बोलो ना, ये सेंटर ऊपर दिखा दे, ऊपर नीचा जी, ऊपर ऊपर नहीं
मैम लुक सेंटर वो रिजल है या चला चला बूम बूम चला बूम जा मैंने पहले इसके बारे में काफ़ी बार बात की है कि कैसे एक त्यौहार की वजह से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली गणपति होता है तो पूरा शहर रुक जाता है, ट्रैफिक होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है और लोग पटाखे छोड़ते हैं, और सबसे जो बुरा मुझे लगता है वो वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि POP के गणपति बनते हैं या ऐसे गणपति बनते हैं जो पानी में विसर्जन के बाद कभी वो मेल्ट नहीं होते, वो रिसाइकल नहीं होते। तो इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ ट्री गणेशा के ये वर्कशॉप में, जहाँ इन लोगों ने काफ़ी दिन से ऐसे गणपति बनाए जो
पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है. इनको आप विसर्जित करेंगे तो ये आपके घर में ही रहेंगे, और इनको नॉर्मली वाटर करेंगे तो इस तरह प्लांट उगेंगे. आप देखिए ये ये भिंडी का पौधा है, लेडी फिंगर जिसे कहते हैं, और कुछ भी उगा सकते हैं आप घर में. तो ये एक अच्छा है क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि गणपति विसर्जन के बाद भी घर में आसपास ही है. और मैं जैसे बीच के बराबर में रहती हूँ, तो विसर्जन के बाद अगले दिन मतलब गणपति का कभी हाथ, कभी पाँव, कभी सूंड, दांत, सब कुछ ऐसे बीच पे पड़ा होता है कचरे के साथ, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है. और मुझे लगता है कि जो हमारी मरीन लाइफ है, जो मछलियाँ हैं, उन पे कितना पोल्यूशन आता है. इसमें टॉक्सिक पेंट यूज़ होता है, POP यूज़ होता है. सो भगवान, पानी को भी भगवान मानते हैं, वरुण भगवान, तो हम एक भगवान के लिए दूसरे भगवान को प्रदूषित नहीं करना चाहिए. इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ. और कोई सवाल? जैसे भी आपने कहा कि अभी लोग कह रहे थे कि साउंड जो चीज़ें हैं वो बंद कर दिया गया है, और ऐसी कौन कौन सी बात है जो आपको गलत लगती है गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए? जो मुझे गलत लगता है वो ये कि त्यौहार के नाम पे लोग सड़क पे दारू वारू पी के भगवान के नाम पे बेकार गानों पे डांस करते हैं. तो मुझे लगता है कि एक रूल होना चाहिए कि जैसे भजन या कुछ लोगों को चलाने हो तो चले, पर मतलब आइटम सॉन्ग्स वगैरह की कोई जगह नहीं है विसर्जन के प्रोसेशंस में. आप अपने घर पे इससे पहले इको फ्रेंडली नहीं? मैं अपने घर पे गणपति रखती हूँ, पर वो इतने से हैं क्योंकि मैं उनको ईजिली रिसाइकल कर सकती हूँ. और मैं वैसे पौधों में ही डाल देती थी, पर मुझे जब पता चला कि यह एक्चुअली प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम हो रहा है, तो फिर मैं इसके साथ जुड़ना चाहती हूँ. हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है. किसी को भी पता है कि बॉम्बे ने अपने समंदर को इतना पोल्यूट कर दिया है, केमिकल पोल्यूशन है, तो हम उस पोल्यूशन को क्यों, वाई शुड वी मेक इट वर्स. त्यौहार एक बहाना होता है लोगों को इन्जॉय करने के लिए, पर उसको अच्छी स्पिरिट में देखा जाए तो, जैसे हमारे एक पुरानी का कहावत है कि माटी से आया माटी में मिल गया, उसी तरह से मुझे लगता है त्यौहार को मनाना चाहिए कि जैसे किसी को नुकसान ना हो, नेचर को भी नुकसान ना हो. इनसे पूछिए प्लीज. आपका मतलब आपको ये कब सोचा कि इको फ्रेंडली गणपति बनानी चाहिए, और आपको कितना गलत लगता है जो हमारे नॉर्मली हर साल में लास्ट गए 12 सालों से इको फ्रेंडली सेलिब्रेट. आप मेरा खुद का मैं गणपति बनाता हूँ, और विसर्जन लास्ट में 4-5 सालों से विसर्जन जब भी लेट नाइट होते तो जब भी मैं विसर्जन करने जाता तो मेरे पैरों के नीचे या आता था, तो मुझे वो बहुत बुरा लगने लगा. मुझे बहुत मुझे उस पर सोच पे मजबूर कर दिया कि इस पर कुछ करना चाहिए. तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कुछ गणपति बनाए कि गणपति फेस्टिवल बहुत लाखों में गणपति आते हैं, तो मैंने सोचा उसमें से कुछ तो 10% तो रिटर्न बैक कुछ मिलना चाहिए. तो मैंने सोचा फर्स्ट इको फ्रेंडली होना चाहिए, तो उससे सोच रहा था कि रेड सॉइल्स एंड फर्टिलाइजर से गणपति बनाए, और सीड्स के साथ देंगे तो आप घर पे कुंडी के साथ रख के विसर्जन के दिन अपने बालकनी या टेरिस पे लाके जाके आप विसर्जन कर सकते हैं. जैसे प्लांट को पानी देते हो, 8वें दिन पे आप वो गणपति मेल डोके उसमें से पौधा आते हैं, इससे आप वाटर पोल्यूशन भी सॉल्व हो जाता है, और साउंड पोल्यूशन जो अपने घर पे आप विसर्जन करते हैं, और एयर पोल्यूशन जैसे होता है कि आप इसे एक प्लांट भी लगा रहे हो. सो ट्री गणेश तीनों चीज़ के लिए इफेक्टिवनेस और एक अच्छा सोल्यूशन. और ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है. इतनी महंगी हो गई सब्जियाँ, अपने घर में उगा लो ये वाले लेके जाके. अच्छा, मतलब जो मेल्ट होती है तो खाना पानी में जाता है. हाँ हाँ, तो ये कितना सही है? ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर उसके विसर्जन के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टडी करते हैं तो बिल्कुल कोस्ट के पास जितना पोल्यूशन है उसमें सारी मछलियाँ मरी हुई होती है, इसलिए फिशरमैन भी अंदर तक जाते हैं. तो उसका विसर्जन करने के लिए कोई बहुत हट्टा कट्टा आदमी बहुत दूर तक स्विमिंग करके बीच में छोड़ के आए तो फ़ायदा है, पर आइडिया अच्छा है. बस थैंक यू. कौन कौन करेगा ये पहले तो बताओ. इट्स अ गुड आइडिया यार, थैंक यू. मैम एक फोटो ले सकते हैं?
अरे मैं और एक बार लूंगा ना अजीत मान रहे ना लोगों दो ठीक है खाली मुक्ति का मस्ता लग रहा है उसका नाम भी दस्ता ही है नाम का नाम पर दस्ता नाम भी दस्ता ये मंदिर चला चला उसका ये साइड ले तू चल के आओ आओ रिचा आप रुको मत ये रिचा ये सही था तो रिचा ये रिचा में रिचा ही मूवी रिचा ही राइट अरे यार रिचा में राइट में गाड़ी मूवमेंट है मूवमेंट पीछा दो पीछा मैम चलना हमें उधर ऐसे ही बैठो जी ऋषा मैम लिख के ये ऐसे है ये साइड आ जाओ आगे बैठ जाओ ना लेके आगे बैठ जाओ लेके बैठ जाओ पीछे आना शाहजहा क्या कर रहे हैं आ जाओ पीछे आराम चलो अरे तुम लोग मैम मैम ये गणेश भाई है ना दादा एक मिनट दादा दादा एक मिनट रिचा मैम अरे वो कैमरा रिचा जी कैमरा पीछे लो ना हाँ अल्पेश भाई ये चलो बंद करो दरवाजा चलो चलो बस हो गया चलो मैडम मैडम रिचा मैम इधर मेरे कैमरे में चलो 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 अरे अरे छोड़ो मैं ला लिया रिचा जी रिचा जी एक बार घंटा रुक पर जान दो जान दो ये चलो चलो साउथ में वाला क्यों देना था रिचा मैम राइट साइड ओके भाई जाने दीजिए गाड़ी सीधा वाला जाने दो गाड़ी एक मिनट बाय मैम